नमस्कार करते हैं देवी और सज्जनों, आप सभी को प्यार दोस्तों कहते हैं, जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, जिंदगी वक्त की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत सिर्फ जज्बात नहीं होती। कुछ तो सोचा खुदा ने हमारे बारे में, वरना यूं आप जैसे अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात नहीं होती। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इन 50 ग्राम दलियों का। ये भाई साहब जो पीछे बैठे हैं तालियां बजाते नहीं, गांव में कहावत है कि भाई तेरी चूड़ी होने कब आएगी। जितनी अच्छी आप तालियां बजाएंगे हम आपसे वादा करते हैं उतना ही अच्छा आप लोगों को शो दिखाएंगे और बहुत ही अच्छा आप लोगों का मनोरंजन करके दिखाएंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, थैंक यू, थैंक यू। हेलो प्यार दोस्तों, कहते हैं कि सब कुछ जल गया है, सब कुछ जल गया है तो बचा ही क्या है। अरे बचे हैं आप लोग तो हमारा जला ही क्या है। वो तो सच्ची मोहब्बत थी आप लोगों से, इसीलिए तो हसनगढ़ शहर में आए हैं, वरना हसनगढ़ गांव में हमारा रखा ही क्या। और आज जो है बड़े बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, जो कि शुरुआत जो है इन बच्चों से ही करते हैं। 3 बच्चे, थैंक यू, थैंक यू। पहले सुन लीजिएगा। हाँ प्यारे दोस्तों, सबसे पहले मैं बता देता हूं, मैं कुछ फिल्म स्टारों की आवाज आप लोगों के सामने पेश करूंगा। कुछ हर जो हरियाणवी फिल्मों में मैंने काम किया है उसके कुछ डायलॉग मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मगर सबसे पहले जो शुरुआत करूंगा मैं भगवान रूपी बहुत ही नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों से करूंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं। हाँ भाई, सभी तो कमाल हो गया। मैं ते बुंदा छोरा बैठे कर देखिए, हंसना हंसना बहुत जरूरी है। हाँ तो बच्चे जो बैठे हैं, ऐसे ही 3 बच्चे बैठे हैं अपने पापा की तारीफ कर रहे हैं स्कूल में। पहला बच्चा क्या कह रहा है? पहला बच्चा, मेरे पापा ना सबसे प्यारे पापा है। दूसरा बच्चा, मेरे पापा तुम्हारे पापा से भी प्यारे पापा है। तीसरा बच्चा, मेरे पापा ना तुम दोनों के पापा से प्यारे पापा है। अब पहला बच्चा, मेरे पापा ना गरम गरम चाय को कप में नहीं डालते, जग में नहीं डालते, पतीले को मुलगाते पी जाते। अब दूसरा बच्चा, फिर तो मेरे पापा प्यारे पापा, मेरे पापा ना गरम गरम चाय को कप में डालते और मुंह लगाते पी जाते। तीसरा बच्चा, फिर तो मेरे पापा तुम दोनों के पापा से प्यारे पापा है, मेरे पापा ना गरम गरम चाय को कप में नहीं डालते, ना के जग में डालते, ना पतीले को मुंह लगाते, मेरे पापा तो ना चीनी पत्ती खाते हैं और स्टोव पे बैठ जाते हैं। चाय अपने आप बन जाती है। एक और बच्चा, बहुत ही प्यारा बच्चा, अपनी मम्मी के साथ दिल्ली रहता है और उसको बड़ी भयंकर बुरी आदत थी बगैर कपड़ों के रहने की, बिल्कुल नंगा। अब मम्मी ने सोचा कि आए दिन हमारे घर पे कोई ना कोई मेहमान आया रहता है और ये पिंटू ऐसे नंगा घूमता अच्छा नहीं लगता। तो मम्मी ने बोला, बेटा पिंटू देखो, हमारे घर पे कोई ना आए दिन मेहमान आया रहता है और तुम ऐसे बगैर कपड़े घूमते अच्छा नहीं लगता। तो पिंटू, तो फिर मम्मी मैं क्या करूं? तो बेटा जब भी हमारे घर पे कोई मेहमान आएगा तो मैं आवाज लगाऊंगी, बेटा दिल्ली बंद, तूने बाकी निकर पहन लेनी। ठीक है मम्मी। अब अगले दिन डोरबेल बजी, मम्मी ने गेट खोला और सोचा पिंटू तो ऐसे ही घूम रहा होगा नंगा। मम्मी ने आवाज लगाई, बेटा पिंटू दिल्ली बंद। अब पिंटू ने क्या किया, बात जाए निकर पहन ली। मम्मी चाय बनाने के लिए चली गई, एक मोटी सेंटी घर पे आई थी वो वहां बैठ गई। अब खेलता खेलता पिंटू वहां पहुंच गया। आंटी आंटी, तुम दिल्ली क्या लेने के लिए
हो? मम्मी बोली, आंटी बोली, बेटा मैं दिल्ली देखने के लिए आई थी, आज दिल्ली बंद है। अब इतना सुनता है पिंटू ने क्या किया, नारा खींच दिया, निकल नीचे। आंटी देख लो दिल्ली। मम्मी इतना खामे खा बंद करा देती है। ये तो कुछ शरारती बच्चों की बातें, तो आइए ले चलते हैं थोड़ा आपको मुंबई की दुनिया में। कुछ फिल्म स्टारों की मैं आवाज आप लोगों के सामने पेश करूंगा, अगर आप लोगों को मिलती जुलती लगे तभी तालियां बजाना, वरना तालियां मत बजाना। हाँ, उसमें देख ले। मान लीजिएगा हमारे हसनगढ़ गांव में अगर अमसपुरी साहब की आत्मा यहाँ पहुंच जाती और आप लोगों को तालियां बजाने के लिए रहती तो किस प्रकार की रहती अमसपुरी साहब की आवाज। शोम शोम श्यामो शाशा, अरे हसनगढ़ वासियों थोड़ी बहुत तालियां तो बजा लिया करो। डोन कभी रोंग नहीं होता, ऊपर वाला रोंग हो सकता है मगर डोन कभी रोंग नहीं होता। तालियां बजती रहेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मान लीजिएगा ओम प्रकाश जी यहां होते, ओम प्रकाश जी आप लोगों को तालियां बजाने के लिए किस प्रकार कहते? ओम प्रकाश जी, अगर मान लीजिएगा यहाँ अपने हसनगढ़ गांव में मुकेश खन्ना जी फिल्म डिटी छोड़कर गोलगप्पे बेचने लग जाए और पूरे फिल्म स्टार अपने हसनगढ़ गांव में आ जाए गोलगप्पे खाने के लिए, तो मुकेश खन्ना जी को जानते हैं ना सभी? एक आवाज आई। खैर को बात जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूं, मुकेश खन्ना जी वो हैं जिन्होंने महाभारत में विषम पिता का रोल किया और उसके बाद एक बहुत ही प्यारा सीरियल आया शक्तिमान। तो शक्तिमान को सभी जानते हैं ना? हाँ, तो शक्तिमान जो है वही मुकेश खन्ना जी है। अगर मुकेश खन्ना जी फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गोलगप्पे बेचने लग जाए तो गोलगप्पे खाने के लिए कौन कौन फिल्म स्टार वहां पर आएगा, वो क्या वाक्य रहेगा, मैं कुछ आवाजों के साथ आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मुकेश खन्ना जी गोलगप्पे बेच रहे हैं, मुंबई में ठेले बोलते हैं, अपने यहाँ रेडी बोलते हैं, तो गोलगप्पे बेच रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं, अरे भाई कोई तो आओ गोलगप्पे खाओ, अरे भाई कोई तो आओ गोलगप्पे खाओ, अरे मेरी रेडी जैसे गोलगप्पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, अरे भाई कोई तो आओ गोलगप्पे खाओ। तो सबसे पहले पहुंच जाते हैं गुलशन ग्रोवर जी। अब गुलशन ग्रोवर जी गोलगप्पे कैसे मांगे? गुलशन ग्रोवर, ओ बैड मैन, और जिंदगी का मजा तो खट्टे में है, लाइक प्लेट गोलगप्पा हमें भी खिला दे, ऊपर मिले या ना मिले गन्ना चूस के। अरे गुलशन भाई आइए बैठ जाइए, वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं सत्य कपूर साहब। सत्य कपूर साहब का भी अपना एक बोलने का अंदाज था। सत्य कपूर साहब, आओ जा जा मनन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा साते मैं भी आपके राड़े का गोलगप्पे खाऊंगा। मुकेश खन्ना जी, अरे मैं तुझे से कमीने को गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा, अरे तू बड़ा हरामी है, मैं तुझे गोलगप्पे नहीं खिलाऊंगा। सत्य कपूर जी, आओ अगर आप मुझे गोलगप्पे नहीं खिलाएंगे तो मैं आपके राड़े पलट दूंगा पलट दूंगा। अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था, आइए बैठ जाइए, वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं राजकुमार साहब। राजकुमार साहब चलने का बोलने का अंदाज बहुत ही निराला था राजकुमार साहब जी का। राजकुमार साहब ऐसे चलते थे जैसे एक पांव में शूज नहीं डाला हो। तलवारों की धार से घोड़ियों की बोझा से वंदा डरता है तो पर्वतिका से योगी हम राजकुमार हैं तो गोलगप्पे हम भी खाएंगे और जरूर खाएंगे। वहां लाइन में छज्जू जी खड़े थे, अपने हरियाणा के बहुत ही फेमस कलाकार मिस्टर छज्जू जी खड़े थे। छज्जू जी आवाज लगाते हैं, ठोक सब राजकुमार आज बीड़ी पी ले।
राजकुमार जी, सज्जु जानी, हम बीड़ी नहीं पीते, हम शिकार पीते हैं, शिकार पीते हैं। हम मेरा बेटा जब ऐसा सकता है फिल्मों में जिन्हें सांस हो रहे उतरे। राजकुमार जी भी पहुंच जाते हैं। मेरे करण अर्जुन आएंगे, आसमान का सीना चीर के आएंगे, धरती का कलेजा फाड़ के आएंगे। मेरे करण अर्जुन आ गए, मेरा करण आ गया है अर्जुन। करण बेटा, करण तेरा करण जा लिया। फिल्मों का इतना इतना अच्छा इसका असर हो गया, शुरू हो गया। पेड़िया पे इस तरह डाल उतरे जो कल डैनी उतरेगा। तो ये ले चलते हैं उसी फिल्म जगत की ओर। तो राजकुमार जी भी वहां बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं नाना पाटेकर साहब। नाना पाटेकर साहब गोलगप्पे मांगे तो कैसे मांगे? नाना पाटेकर साहब अच्छा है, मैंने सुना तेरी डैडी का गोलगप्पा बहुत अच्छा है, लाइक पापड़ी खिला दे मेरे को, पैसे नहीं है मेरे पास। अच्छा है। अरे नाना भाई आइए बैठ जाइए। वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद आते हैं धर्मेंद्र पाजी। अब धर्मेंद्र पाजी गोलगप्पे मांगेंगे तो कैसे मांगेंगे? पंजाबी शान ऐसे सीना तान के चलते धर्मेंद्र जी, मैं कसम जाऊंगा फंस जाऊंगा गांव वालों, अगर मुझे मुकेश खन्ना भाई साहब के गोलगप्पे नहीं मिले। आज हमारे साथ हमारी बीवी पहुंची है हेमा जी, और मेरी बेटी आशा, और मेरे बेटा सनी भी आया, तो मेरे गोलगप्पे हम जरूर खाएंगे, और जरूर खाएंगे। अरे धर्म पाजी आइए बैठ जाइए। वो भी बैठ जाते हैं। उसके बाद अब पहुंचते हैं संजीव कुमार जी। शोले फिल्म की शूटिंग चली रही थी। संजीव कुमार जी गोलगप्पे मांगेंगे तो कैसे मांगे? संजीव कुमार जी, लाओ मुकेश खन्ना भाई साहब एक प्लेट गोलगप्पा और मैंने खिला दो, ऊपर मिले एना मिले। तो वहां कॉमेडी कलाकार जगदीप जी खड़े थे। जगदीप जी, अरे अंग 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 ताया जी, इसको गोलगप्पे मत खिलाना, अंग अंग टूंडा है टूंडा। संजीव कुमार जी, थैंक यू। संजीव कुमार जी फिर से गोलगप्पे मांगते। संजीव कुमार जी, कोई बात नहीं, अगर गोलगप्पे नहीं है तो दही बड़े खिला दो, और दही बड़े खा लेते हैं। उसकी बुरी आदत थी जगदीप जी की बीच में टांग रहने की। जगदीप जी फिर गुज जाते, अंग अंग मैंने बोला ताया जी अंग टूटा है, इसकी प्लेटें कौन धोएगा, अंग अंग। तो बीच में धर्मेंद्र जी गुज जाते। धर्मेंद्र जी, मुकेश खन्ना भाई साहब अब ठाकुर साहब का गोलगप्पे खिलाएगा, प्लेट मेरा बेटा सनी धोएगा, बेटा सनी प्लेट धोएगा ना। अब सनी जी, आओ बाबू जी, मैं सबके ऐसे प्लेट धोऊंगा, ये सबके ऐसे प्लेट धोऊंगा, और ठाकुर की ऐसी प्लेट धोऊंगा जिंदगी में कभी गोलगप्पे नहीं खाए गए। जट थे चिंगर गए सब कुछ वहां तोड़ फोड़ मचा देते हैं। थैंक यू। ये था कुछ आवाजों का सिलसिला, और सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए मैं कुछ कार्टून की भी आवाज पेश करूंगा मगर नेक्स्ट राउंड में। तो अभी ले चलते हैं एक बार फिर से उसी जादू की दुनिया पर। अगर अच्छी आवाज लिखे तो जोरदार तालियां जरूर चाहूंगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में विजेंद्र वर्मा जी। हेलो, मैं तालियां बजाते हुए एक बार भाई, क्योंकि जितनी अच्छी तालियां बजाएंगे उतना, और बीच में कोई उठ के जाऊंगा, उन्होंने सोची कोई फरी मारे, फरी में कुछ नहीं आता कोई भी, फ्री में तो को आजकल बुखार भी को दिन दे, लेकिन पैसे लगते हैं, आनंद लेके जाइए, जाम तो बैठिए कुछ नहीं। जिस दिन गला करा कर आए हमारे बीच में तो आधा घंटा फालतू तो मुझे खैर को बात नहीं। आइयो ना तलक हमें।